छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास के लिए नीति बना रही है। पहले पुनर्वास नीति के लिए नक्सलियों से सुझाव मांगा गया। अब गृह मंत्री बस्तर में बुद्धिजीवियों से चर्चा करेंगे। नक्सली मोर्चे पर चर्चा की जाएगी। बता दें गृह मंत्री विजय शर्मा आज जाएंगे बस्तर और 3 जून को नक्सल मोर्चे पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की कवायद जारी है। छत्तीसगढ़ में सरकार पुनर्वास के लिए नीति बना रही है। पहले पुनर्वास नीति के लिए नक्सलियों से सुझाव मांगा गया था। अब गृह मंत्री बस्तर में बुद्धिजीवियों से चर्चा करेंगे। तो पहले बता दें आपको नक्सलियों से सुझाव मांगे गए और मुख्य धारा में नक्सलियों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सके इसके लिए कवायद शुरू हो चुकी है। आज गृह मंत्री विजय शर्मा बस्तर जाएंगे, 3 जून को नक्सल मोर्चे पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो 3 जून को नक्सल मोर्चे पर एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है छत्तीसगढ़ में और इस कार्यक्रम में गृह मंत्री विजय शर्मा भी शिरकत करेंगे। लगातार ज्यादा से ज्यादा नक्सलियों को जोड़ा जा सके मुख्य धारा में इसके लिए कवायद शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री विजय शर्मा जो कि बस्तर जाने वाले और सीधे रुक करेंगे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, कवायद शुरू हो चुकी है पुनर्वास के लिए नीति बनाई जा रही है। पहले सुझाव मांगे गए और अब खुद गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचने वाले हैं बस्तर। देखिए, गृह मंत्री विजय शर्मा के बस्तर दौरे के मायने काफी अधिक है। पिछले बार जब वो बस्तर पहुंचे थे तो उन्होंने सीधा नक्सलियों से ही सुझाव मांगा था। उन्होंने पत्रकारों से आग्रह किया था कि आप एक फॉर्म है जो उन्होंने दिया था, बोला था इसे नक्सलियों तक पहुंचाइए, उनसे पूछिए कि वो क्या चाहते हैं, समर्पण नीति में क्या कुछ हो। इस बार जब वो पहुंच रहे हैं तो कल 3 जून को बस्तर में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लोकतंत्र बना माओवाद, जिसमें एक खुली चर्चा की जा रही है कि लोकतंत्र में माओवाद की क्या उपस्थिति रही है, इसका क्या कुछ असर पड़ा है। तो विजय शर्मा सीधे नक्सलवाद के जड़ पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बात जानते हैं कि नक्सली जो कि लोकतंत्र से नाखुश थे और उन्होंने नक्सलवाद की राह को चुना, वो कह रहे हैं कि आप वापिस आइए, आप कुछ सुझाव दीजिए, आप मुख्यधारा में जुड़िए। और जो दूसरी ओर देखिए, लेकिन ऋतु की दूसरी ओर बस्तर में ऑपरेशन भी तेज हुए हैं, तो यहाँ दोनों ओर से दबाव बनाया जा रहा है। बस्तर में आधार इलाकों में लगातार नक्सलियों के एक नए कैंप खोले जा रहे हैं। बस्तर के जो ऐसे इलाके थे जहां फोर्स नहीं पहुंच पाती थी, वहां भी फोर्स जा रही है, बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। 110 से अधिक नक्सली अलग अलग ऑपरेशन में मारे गए हैं। तो यहां पर दो तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। एक ओर सीधे गृहमंत्री पूछते नक्सलियों से कि आप समर्पण नीति में क्या कुछ चाहते हैं, दूसरी ओर वो सीधा संदेश देते हैं कि अगर आप समर्पण नहीं करेंगे तो इस तरह के ऑपरेशन चलते रहेंगे और लगातार हम नक्सलियों के इलाकों में घुसकर उनका सफाया करेंगे। तो यहाँ विजय शर्मा गृहमंत्री दोनों नीतियों पर काम करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, दोनों नीतियों पर काम तो किया जा रहा है। इसके साथ ही देखिए 3 जून को नक्सल मोर्चे पर एक कार्यक्रम भी आयोजित होने वाला है। संजय, किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम होगा जिसमें गृह मंत्री कुछ शामिल होंगे? देखिए, ये सबसे बड़ी बात कि जो नक्सलवाद पिछले कई सालों से, मैं लगभग 15 सालों से नक्सलवाद को कवर कर रहा हूँ, और पिछले कुछ सालों से नक्सलवाद जो चर्चा का विषय था वो उसके केंद्र से गायब हो गया था। यहाँ दिल्ली में बैठ के इसकी चर्चा अब नहीं हो रही थी, तो यहाँ जो है फिर से गृहमंत्री की योजना है कि इसे चर्चा में लाया जाए। और यही वजह है कि यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लोकतंत्र बनाम माओवाद। इसमें उन्होंने खुली चर्चा आयोजित की है, जो लोग जो नक्सलवाद को करीब से जानते हैं वो अपनी राय यहाँ देंगे, वो बताएंगे कि नक्सलवाद से किस तरह से लड़ा जाए, इससे किस तरह से इस पूरे मामले को जो लगभग 4 दशकों से जो बस्तर से जूझ रहा है उसे कैसे सुलझाया जाए। तो यहाँ एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है और ये काफ़ी सालों बाद हम बस्तर में देख रहे हैं। इस तरह की परिचर्चा कई सालों से बस्तर में नहीं हुई थी, तो एक ही नई शुरुआत जो है यह होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। बिल्कुल, नई शुरुआत हो चुकी है और अब देखना होगा संजय कि कहाँ तक इसमें सरकार को सफलता मिलती है। फिलहाल शुक्रिया संजय आपका जानकारी के लिए।